हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने के लिए उसका रूट कॉज पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और यही बात आती है हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में भी। दोस्तों, अलग अलग लोगों में हेयर फॉल होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे महिलाओं में पोस्ट डिलीवरी होने वाला हेयर फॉल, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाला हेयर फॉल, या फिर मेल्स में हेरिडिटरी या फिर जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होने वाला हेयर फॉल, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होने वाला हेयर फॉल, या फिर इन जनरल धूल धूप पॉल्यूशन की वजह से होने वाला हेयर फॉल हो। दोस्तों, जिस प्रकार हेयर फॉल होने के रीजंस अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हेयर फॉल अलग अलग रीजंस से होने वाले हेयर फॉल को ट्रीट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है जो तरीका किसी एक के लिए काम करता हो, वो किसी और के लिए काम ना करे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग नुस्खों के बारे में और इन्हीं अलग अलग तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल का मेन रीज़न होता है पित्त का बहुत बढ़ जाना। जब ये पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे स्काल्प पे भी प्रभाव डालता है, और यही वजह है कि पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों को जन्म से ही सर पे काफ़ी कम बाल होते हैं, या फिर बढ़ती उम्र के साथ उनके बाल बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से झड़ते चले जाते हैं। तो अगर आप भी पित्त प्रवृत्ति के हैं और हेयर फॉल से परेशान हैं, तो बाहरी उपायों को ट्राई करने से पहले आप पहले अपने पित्त को कम कीजिए, और आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल काफ़ी कम हो चुका है। इसके बाद हेयर फॉल का जो मेन रीज़न आता है वो होता है कैल्शियम डिफिशियंसी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में 30 की उम्र के बाद हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रीज़न है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा कैल्शियम लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी झड़ने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने खाने में कैल्शियम वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दोस्तों, नेचुरली हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का एक सिंपल सा और बहुत आसान सा तरीका है। रोज़ एक गिलास देसी गाय के छाछ के साथ एक गेहूं के दाने बराबर चूना मिलाकर इसका सेवन करें। अगर आप छाछ के साथ नहीं पी सकते तो आप पानी के साथ भी चूना का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर में कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए आपको महंगी महंगी कैल्शियम के टैबलेट्स खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा नुस्खा आजमाइए। रोज़ एक गिलास छाछ के साथ या फिर एक गिलास पानी के साथ एक गेहूं के दाने बराबर खाने वाला जो चूना आता है वो मिलाकर इसका सेवन कीजिए। आप पाएंगे कि एक महीने में ही आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो चुकी है। पर ध्यान रहे कि ये चूना आपको एक गेहूं के दाने बराबर ही मिलाना है, उससे ज़्यादा ना मिलाए, और चूने का सेवन दूध के साथ कभी भी ना करें। दोस्तों, कैल्शियम के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने खाने में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ों का भी सेवन करें, जैसे देसी गाय के दूध से बना हुआ दही, पनीर, या फिर देसी गाय का दूध हो, दालें हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। दोस्तों, बालों की सेहत के लिए जितना बाहरी उपाय ज़रूरी होता है, उतना ही इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अंदर से हमारे न्यूट्रिशन की ओर ध्यान दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल से डूज एंड डोंट्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू स्टॉप योर हेयर फॉल। सबसे पहला है, हफ्ते में एक बार कम से कम बालों में ऑयल जरूर लगाएं। ये हमारे स्काल्प को और हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए मस्ट है। और जब भी आप बालों में तेल लगाएं तो उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बाल कम झड़ेंगे। सेकेंड, बालों को कोम करते वक्त कभी भी नीचे से कोम करना शुरू कीजिए। पहले नीचे के जो बाल होते हैं उसके टैंगल्स रिमूव कीजिए, फिर ऊपर से कोम करना शुरू कीजिए। इससे आपके बाल जो है वो कम झड़ेंगे और कम टूटेंगे। थर्ड, गीले बालों में कभी भी कोम ना करें। बाल जब पूरी तरह से सूख जाए तभी बालों में कंघी करें। इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और बालों में स्प्लिट एंड्स भी नहीं होंगे। फोर्थ, हम जब बाल धोते हैं तो बाल धोने से पहले बालों में अच्छे तरह से कोम करके बालों के सारे टैंगल्स अच्छे से निकाल ले। इससे क्या होता है कि आप जब नहाने जाते हैं तो बाल आपके कम झड़ते हैं। फिफ्थ, बालों को हमेशा रात को तेल लगाकर हमें सुबह धो लेना चाहिए। ऐसे ही अगर बालों में तेल लगा रहता है तो बालों में धूल और डर्ट जम जाती है। सिक्स, जितना हो सके बाल धोने के लिए शिकाकाई, आंवला या फिर रीठा, इन जैसे नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। जितना हो सके शैम्पू अवॉइड कीजिए। सेवन, और क्योंकि बिना शैम्पू के बालों में से ऑयल इजीली नहीं निकलता है, तो अगर आप शैम्पू यूज़ भी करते हैं तो बिना केमिकल वाला, केमिकल फ्री या फिर नेचुरल शैम्पू ही यूज़ कीजिए। सेवन, धूल धूप या फिर पोल्यूशन में जाते वक्त हमेशा अपने बालों को कवर करके रखिए। इससे आपके बालों में धूल या फिर डर्ट जमा नहीं होती है, आपके बाल नहीं झड़ते हैं। दोस्तों, यही रीज़न है कि पुराने ज़माने में औरतें जो होती थी वो हमेशा अपने सर को ढक के रखती थी, जिससे उनके बाल डायरेक्ट सनलाइट या फिर पोल्यूशन से बचते थे। एट, अपना कोम रेगुलरली साफ करें। हमेशा साफ किया हुआ अच्छा कोम ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें जमा डर्ट की वजह से भी हमारे बाल खराब होते हैं और टूटते हैं। नाइन्थ, बालों को कभी भी खींच तान कर टाइट करके ना बांधे। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है और बाल ज़्यादा टूटते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी बालों की सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक आसान घरेलू तेल
जो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल झड़ना टूटना जल्द से जल्द बंद हो जाएगा और आप भी जल्द से जल्द लंबे घने और मोटे बाल पा सकते हैं। दोस्तों इस तेल को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 100 ml तिल का तेल, 1 कटोरी कड़ी पत्ता की पत्तियाँ, 1 से 2 कटा हुआ प्याज, 4 से 5 चम्मच मेथी दाना, गुड़हल के फूल 3 से 4, 1 कटोरी कड़वा नीम की कुछ पत्तियाँ, विटामिन ई की कैप्सूल्स 2, 1 कटा हुआ आंवला या फिर 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर। दोस्तों इस तेल को बनाने के लिए तिल के तेल को बर्तन में लेकर अच्छे से गर्म करें, उसके बाद इसमें लिस्ट में दी हुई सारी चीज़ें मिलाएं और उसे करीब 30 मिनट तक अच्छे से पकाएं। तेल को ठंडा करने करके उसे छान लें, उसके बाद उसमें विटामिन ई की 2 टैबलेट्स खोलकर डालें और हो गया हमारा ऑयल रेडी। इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार बालों में लगाएं और उसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और सुबह उठकर धो लें। दोस्तों ये बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार नुस्खा है, मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है, आप खुद भी ये नुस्खा ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे ये ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने ऊपर बताए हुए नुस्खों में से कौन सा नुस्खा आपने हेयर फॉल को कम करने के लिए यूज़ किया। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।